नमस्कार सभी को। पेपर जो हम टेरिडोफाइट्स का पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक हमने साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोप्सिडा पढ़ा। और ये पढ़ते हुए हमने ये देखा और जाना कि किस तरह से बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होके चीज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जाती है। और ये भी देखा कि जो ट्रू लीव्स हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स में हमने बात करी थी कि ब्रायोफाइट्स में भी पत्तियां बनती हैं, लेकिन उनको हम ट्रू लीव्स नहीं कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो यहाँ पर ट्रू लीफ बननी स्टार्ट हो जाती है। और वो भी इसमें जहाँ पर हेटरोस्पोरी होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें माइक्रोफिल बनता है, मेगाफिल बनता है। तो आखिरकार कैसे जो है वो ये चीज़ें बनी। जब हमने साइलोटम पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था, क्योंकि वो बहुत प्रिमिटिव टेरिडोफाइट होता है, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि लीफलेस एक्सिस थी और वहाँ पर लीफ का कोई भी निर्माण नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने इसमें चलते गए आगे, और जब हम मार्सीलिया हम पढ़ते हैं, तो मार्सीलिया में हम देखते हैं कि बिल्कुल वेल फॉर्म लीफ मिलती है, जिसमें लंबा सा पीटियोल होता है, लीफ का लेमाइना फैन फैन शेप टाइप के जो लीफलेट्स हैं वो होते हैं, और साथ में उनमें वेन्स भी होती हैं। तो हमने देखा कि ये पूरे इस दौरान, अगर साइलोफाइटा से हम टेरोप्सिडा की तरफ चलते हैं, या हम कहें कि साइलोटम से हम मार्सीलिया की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं कि लीफ के जो स्ट्रक्चर है उसमें लगातार प्रगति होती गई। और ये किस तरह से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश करी। और उनमें एक जो बहुत मशहूर थ्योरी है वो है टिलोम थ्योरी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं क्यूमुलेटिव है। बहुत से रिसर्च करने के बाद बहुत से लोगों ने रिसर्च करी, फिर एक फाइनली एक थ्योरी दी, जिसको हम टिलोम थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये इसी के बारे में है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, तो जो मैं बता रहा था, जैसे कि ये विकास का क्रम है, उसी में ये चीज़ें बनी हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड। अब किस बेस पर एक्सेप्टेड है? ऑन द बेसिस ऑफ ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ एविडेंस। बहुत से एविडेंस मिले हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में एविडेंस मिले हैं। क्या मिले हैं? दैट द लैंड एंड ड्वेलिंग प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम एक्वेटिक एंसेस्टर। और ये हम जानते हैं कि जितने भी लैंड प्लांट हैं, उनका डेवलपमेंट या उनका एवोल्यूशन जो है वो उनके एक्वेटिक एंसेस्टर से हुआ है। तो लाइफ की शुरुआत पानी में हुई, बाद में वो ज़मीन पर आई। और जो हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें लगता भी यही है कि जो बात कही जा रही है एकदम सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म नोन इन द प्री कैम्ब्रियन एंड ऑल्डोवेशियन पीरियड ऑफ पेलियोजेक एरा लिव्ड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। और ये बिल्कुल दस्तावेजी प्रमाण के साथ है कि जो पेलियोजेक एरा था, उसमें जो अलग अलग पीरियड्स थे, इन तीनों पीरियड्स में जो प्लांट मिले हैं, वो सब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए अनुकूलित थे। द इवोल्यूशनरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ लैंड प्रोबेबली अकर्ड समटाइम बिटवीन द लेट कैम्ब्रियन एंड अर्ली सिलूरियन। और ये माना जाता है कि जो पानी से ज़मीन पर ज़िंदगी आई है, वो कहाँ से कहाँ आई है? कैम्ब्रियन से शुरू हुई, जो लेट वाला था, ख़त्म होने के आसपास ये पीरियड, और उसके बाद सिलूरियन पीरियड में ज़मीन पर ज़िंदगी आना शुरू हुई। द कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ अर्ली वैस्कुलर लैंड प्लांट्स केम फ्रॉम द सिलूरियन इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल प्लांट कुक्सोनिया एंड राइनिया। और इसके जो सबूत हैं, उसमें जो सबसे अच्छे सबूत हैं, वो दो प्लांट हैं जो फॉसिल प्लांट हैं, राइनिया और कुक्सोनिया। कुक्सोनिया और राइनिया उसी तरह के प्लांट हैं जैसा हम सब ने साइलोटम पढ़ा था, जो कि एक फॉसिल प्लांट की तरह होता है, लेकिन लिविंग फॉर्म में हमें मिलता है। उसके सारे करेक्टर राइनिया के आसपास जाते हैं, और उसकी मदद से हम जो इवोल्यूशन का ट्रेंड है वो समझ सकते हैं। तो कुदरत ने कुछ प्लांट ऐसे छोड़े भी हैं कि इंसान उनको पढ़े और जाने कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। अगर ये प्लांट ना मिलते लिविंग फॉर्म में, तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को जानना। जैसे हर ग्रुप में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा प्लांट होता है कि जो एडवांस होने के बावजूद भी अपने से पुराने जो ग्रुप्स के प्लांट हैं उनके करेक्टर शो करता है। तो वो कुदरत भी यही चाहती थी कि इंसान अपनी अक्ल से जो है वो पहचाने कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। वेरियस थ्योरीज जो इसकी अलग अलग हैं, उसमें बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो जिमरमैन की है, वॉल्टर जिमरमैन। इन्होंने 1930 और 1952 में दो बार अपनी जो प्रस्तुति थी वो दी, और ये देखा, ये बताया कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ होगा पुराने एंसेस्ट्रल प्लांट से। तो उनकी थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल वेस्कुलर प्लांट्स इवॉल्व इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी वेस्कुलर प्लांट, या तो वो डायरेक्टली इवॉल्व हो गए या इनडायरेक्टली इवॉल्व हो गए, लेकिन किससे? सिंपल लीफलेस राइनिया टाइप एंसेस्ट्रल। तो
राइनिया टाइप के, राइनिया को मान सकते हैं कि ये सबका एक तरह से जो है वो सबको कहीं ना कहीं से शुरू करने वाला प्लांट है, जो ज़मीन पर लाइफ को लाने वाला, और उसमें वैस्कुलर बंडल बनने लगे, पत्तियां बनने लगी, उसमें राइनिया का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इसी से सारी कहानी शुरू हुई। एंसेस्ट्रल फॉर्म मेड अप ऑफ स्टराइल और फर्टाइल एक्सेस। अब ये स्टराइल और फर्टाइल एक्सेस बन सकते हैं। स्टराइल का मतलब उसमें स्पोरेंजिया नहीं बन रही थी, फर्टाइल का मतलब स्पोरेंजिया बन रही थी, और दोनों ही को हम टीलोम्स कह सकते हैं। एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स पार्ट्स प्रोड्यूस मोर एडवांस वेस्कुलर प्लांट विद रूट स्टेम एव लीव्स। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जब हमने साइलोटम पढ़ा था वहाँ पर रूट नहीं थी, लेकिन जब हम मार्सीलिया पे ख़त्म करते हैं तो रूट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन के दौरान बन गई। लेकिन शुरू करने वाला जो प्लांट थे उसमें कोई विवाद नहीं है कि राइनिया जैसे प्लांट ने ही एवोल्यूशन को शुरू किया, और वैस्कुलेशर या हम कह सकते हैं स्टिलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना जो प्लांट ने शुरू किया, वो राइनिया के ही तरह के एंसेस्ट्रल प्लांट थे। उन्हीं से सारी जो प्लांट की लाइफ है, आगे जो डिफरेंट प्लांट हम पढ़ते हैं, ये इन्हीं से चले। मीनिंग ऑफ टिलोम थ्योरी, क्या मायने होते हैं? टिलोम इज डिफाइंड एज द सिंगल नर्व्ड अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन एट द बेस और अपेक्स ऑफ द डाइकोटोमाइजिंग एक्सिस। अब हम ये देखते हैं टिलोमियर एंजाइम पढ़ते हैं, तो टिलोमियर क्या एंड पे काम करने वाला, तो उसी से क्या है, टिलो का मतलब है टर्मिनल पोजिशन। अब ये टर्मिनल पोजिशन कौन सी, सिंगल नर्व कम से कम उसमें आती हो, अल्टीमेट टर्मिनल पोजीशन हो, कहाँ पर हो सकती है, बेस पर हो सकती है, अपेक्स पे हो सकती है, किसके, एक ऐसी ब्रांच जिसमें डाइकोटोमी हो रही हो, जैसे ये डाइकोटोमी हो रही है और इसमें वेन भी साथ चल रही है, वेन आएगी यहाँ से, वेन भी इधर डाइकोटोमाइज करेगी, इधर भी करेगी। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको हम कहते हैं टिलोम। दैट इज, इट इज़ द पॉइंट ऑफ द मोस्ट डिस्टल डाइकोटोमी टू द टॉप ऑफ द ब्रांच। तो कौन सा पॉइंट हो गया, डिस्टल डाइकोटोमी वाला हो गया, जो कि बिल्कुल ब्रांच के टॉप पे मिलता है। द कनेक्टिंग एक्सिस बिटवीन डाइकोटोमीज आर कॉल्ड मीजोम्स। अब जो कनेक्टिंग एक्सिस है उसको हम मीजोम कहते हैं। कनेक्टिंग एक्सिस का मतलब ये डाइकोटोमी जा रही है, ये कनेक्ट कर रहा है, इसको हम कहेंगे मीजोम। फंक्शनली टिलोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो फर्टाइल टिलोम हो गए, स्टराइल टिलोम हो गए। स्पोरेंजिया बन रही है उस पर डाइकोटोमस ब्रांच पे या नहीं बन रही है, इसके आधार पर फर्टाइल और स्टराइल टिलोम होते हैं। इफ द अल्टीमेट ब्रांच इज टर्मिनेटेड बाई अ स्पोरेंजियम देन इट इज फर्टाइल टिलोम। अगर ये अल्टीमेट ब्रांच जो है वो स्पोरेंजियम में टर्मिनेट करे तो फर्टाइल होगा। अगर यहाँ पर इस तरह से स्पोरेंजिया बन जाए तो ये फर्टाइल है, ना बने तो ये स्टराइल है, और अगर नहीं बनी तो ये स्टराइल है। विदाउट स्पोरेंजिया दे आर स्टराइल या वेजिटेटिव टिलोम्स हो गए। सेवरल टिलोम्स इधर फर्टाइल और स्टराइल बिकम ग्रुप टुगेदर बाई कनेक्टिंग मीजोम टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंटिलोम और टिलोम ट्रस। अब इसमें सभी में इस तरह के मीजोम हैं, सभी में इनके डायकोटोमी है, उस पर फर्टाइल भी हो सकता है, स्टराइल भी हो सकता है, इसको हम फर्टाइल कहते हैं, इसको स्टराइल कह दें। तो ये बहुत से बनते हैं और सबका जो ग्रुप होगा, पूरा एक ग्रुप होगा, उसको हम कहेंगे सिंटिलोम या फिर टिलोम ट्रस। तो शॉर्ट नोट अगर आ जाए कि सिंटिलोम क्या है, तो आप बताएंगे एक टिलोम का ऐसा ग्रुप है जिसमें फर्टाइल और स्टराइल दोनों तरह के टिलोम पाए जाते हैं, और साथ साथ उनमें सब जो है वो जो मीजोम्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस तरह की जो रचना बनेगी उसको हम सिंटिलोम बोलेंगे, या फिर दूसरा नाम उसका टिलोम ट्रस। अब बात कर लेते हैं सिंटिलोम की। द सिंटिलोम इज डेजिग्नेटेड एज अ फिलोट ट्रस या टिलोम ट्रस भी कह सकते हैं, इफ कंपोज्ड ऑफ ओनली स्टराइल और वेजिटेटिव लीव्स। अब अगर इसको टर्म को इस्तेमाल हम करना है, फिलोट का मतलब सिर्फ पत्तियां हैं, तो पत्तियों में क्या होगा, ये सिर्फ वेजिटेटिव का ही बनेगा। और फर्टाइल ट्रस, अगर फर्टाइल प्लांट हो गए तो ये फर्टाइल ट्रस हो गया। वेन कम्पोज ऑफ ओनली फर्टाइल टिलोम्स और मिक्स टिलोम, अगर दोनों ही हैं तो ये मिक्स टिलोम ट्रस होगा। वेन कम्पोज बोथ फीमेल एंड मेल, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये टिलोम ट्रस है, यहाँ पर ये तो जो चल रहा है ये मीजोम चल रहे हैं दोनों के, और यहाँ पर भी डाइकोटोमी होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, लेकिन इनको जो धारण करने वाले स्ट्रक्चर हैं वो किस पर सिचुएटेड हैं, वो मीजोम पे ही सिचुएटेड हैं। यहाँ पर जो डाइकोटोमी है ये स्टराइल है, यहाँ पर जो डाइकोटोमी है इसमें एक फर्टाइल है, एक अभी उसका कुछ पता नहीं है कि स्टराइल हो गया फर्टाइल हो, तो बहरहाल ये पूरा ग्रुप हो गया। तो इसमें ग्रुप में कितनी ब्रांचेज आपको दिख रही हैं, दो डाइकोटोमी दिख रही हैं, इसका मतलब चार ब्रांचेज हो गई, चार में फर्टाइल स्टराइल,
दोनों ही तरह के दिख रही हैं और इन्हीं को हम कहते हैं, इनको टिलोमट्रस कहेंगे, और इसको जो जो धारण कर रहा है इनको डायकोटोमी को उसको मिजोम कहेंगे, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे सिंटिलोम। टिलोम एंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट अमंग टेरिडोफाइट्स। अब ये प्रोसेसेस ऑफ टिलोम थ्योरी क्या है अकॉर्डिंग टू जिमरमैन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया इस पर। दीज टिलोम्स और टिलोम ट्रस ऑफ द प्रिमिटिव राइनिया टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट हैव बीन सब्जेक्टेड टू सर्टेन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन वेरिंग डिग्री अमंग द वेरियस टेक्सोनॉमिक ग्रुप। अब इनका ये कहना था, ये जो टिलोम ट्रस है जिनकी बात अभी हुई, कि इसमें फर्टाइल होते हैं, स्टराइल होते हैं, साथ में इसमें मीजोम होता है और इनको हम सिंटिलोम कहते हैं। इन सब का क्या है, इन सब में जो राइनिया की मदद से इसको समझा गया और इसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी देखा गया, तो इसमें देखा गया कि आगे जो एवोल्यूशन हुआ तो उसमें कई तरह के वेरिएशन, या कहें कि वेरिएबल डिग्री ऑफ जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो हुई, और उसने फिर अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स को जन्म दिया। अब ओवरऑल जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस थी वो क्या थी, उसको हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें कभी कभी ये 2 हिस्से एक साथ चलते हैं। तो एक तो है ओवरटॉपिंग, दूसरी प्रोसेस है रिडक्शन, तीसरी है प्लांटेशन, चौथी है सिंजेनेसिस, और इसको वेबिंग भी कहते हैं, वेबिंग टर्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फिर है कर्वेशन। तो अब इनके बारे में हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस कितने हिस्सों में बटी है, तो हम 5 में कह सकते हैं, जिसमें ऊपर की 2 जो हैं वो एक साथ भी कभी कभी लिख दी जाती हैं और कभी कभी अलग अलग भी लिखी जाती हैं, तो 5 कह सकते हैं, या फिर अगर इसको हम एक साथ मिला के कहेंगे तो 4 हो जाएंगी। अब प्रोसेस क्या है, ये डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। पहली प्रोसेस है ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में आप देखिए कि यहाँ पर जो ओवरटॉपिंग, ये ऊपर आप डायकोटोमीज देख रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि नीचे से भी जो है इसमें डायकोटोमी होना स्टार्ट हुई। उसके बाद प्लेनेशन, प्लेनेशन में क्या होगा कि ये बिल्कुल बराबर चलते हैं, ये मीजोम आ गया यहाँ से, और इसके बाद ये डायकोटोमी हुई। डायकोटोमी के बाद फिर से जो प्लेनेशन है उसमें फिर फर्दर डायकोटोमी यहाँ पर हो रही है, उसके बाद ये आगे जा रहा है, यहाँ पर भी डायकोटोमी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, और बाद में फिर इसमें जो ये सब बन जाते हैं सारे हिस्से, उसके बाद इसमें वेब बनने लगती हैं। तो जितने भी ये हिस्से बने हैं, ये हिस्से, ये हिस्से, ये बाद में पत्ती की तरह बनते हैं, और पत्ती के अंदर आप देखेंगे वेन्स वगैरह निकलती हैं, और वेन्स में वेबिंग होने लगती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेबिंग। तो ओवर टॉपिंग हो गई, प्लेनेशन हो गया और वेबिंग हो गई, ये 3 प्रोसेस हैं जिनको हम 4 में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जो अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था उसके मुताबिक। तो अब इनकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। ओवर टॉपिंग, इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द 2 डायकोटोमाइजिंग ब्रांचेस ऑफ द प्रिमिटिव एक्सिस प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टम आउट ग्रोज और ओवर ग्रोज द अदर। तो एक ऐसे चल रही है, एक अचानक जो है तेजी से ग्रो कर गई, तो 2 डायकोटोमी में एक तो स्लो है और एक इसने रैपिड हो गई। द लार्जर एक्सिस दस प्रोड्यूस बिकम्स द स्टेम, वाइल द शॉर्टर और ओवर टॉप्ड ब्रांच रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द लेटरल ब्रांच और लीव्स। अब ये जो है ये तो स्टेम में बदल जाएगा, क्योंकि ये तेजी से ग्रो कर रही है तो ये स्टेम हो गया। ये वाली जो ब्रांच जो रिटार्ड डेवलपमेंट दिखा रही थी, उसको या तो लेटरल ब्रांच होगी या फिर ये लीव्स होगी। नाउ द अर्लियर डायकोटोमी विल बी ट्रांसफॉर्म टू सूडो मोनोपोडियल ब्रांच, और जो अर्लियर डायकोटोमी थी वो सूडो मोनोपोडियल हो जाएगा। सूडो मोनोपोडियल का मतलब जो ये वाली ब्रांचिंग थी, ये अब दिख रही है कि यहाँ बनी तो एक साथ थी दोनों, ये इधर एक साथ बनी थी, ये एक साथ बनी थी, लेकिन एक ने आगे बढ़कर फिर से स्टेम बना लिया, और जो ये ब्रांच थी इसकी डायकोटोमी की, वो स्टेम की तरह हो गई। तो इस यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टेम तो पहले ये था, लेकिन इसमें जो ब्रांचिंग हुई और इसके बाद ये आगे बढ़ गया, तो लगता तो यही है कि यही एक ही स्टेम आगे चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसमें ये ब्रांच होती है जो कि स्टेम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए इसको, अगर ये स्टेम ही जा रहा होता और यहाँ पर लीफ बन रही है, यहाँ पर ब्रांच बन रही है, इस तरह से लेटरल बनती चली जाती हैं, तो इसको हम कहते मोनोपोडियल। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रांच है वही स्टेम की तरह प्रतीत होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो स्टेम मेन वाली नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं सूडो मोनोपोडियल ब्रांच, इस तरह की डायकोटोमी को। उसके बाद रिडक्शन, इन दिस प्रोसेस द एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल मेरिस्टेम ऑफ ईच टिलोम ऑफ द ट्रस बिकम सप्रेस्ड, रिजल्टिंग इन मच शॉर्टर ब्रांचेस बाई
decreasing the length of telom and mesom. This process is responsible for the formation of microphyllous leaves of the Lycopsida and Spinopsida as well as needle-like leaves of conifer. अब रिडक्शन में क्या होता है कि जो आपकी डाइकोटमी ब्रांच प्लांट में हुई, तो डाइकोटमी का मतलब है कि ये मीजोम बने, उसके बाद ये डाइकोटमी हो गई, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाए, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी तो इन पे जो है वो छोटी छोटी बाद में पत्तियां डेवलप होती हैं, छोटी पत्तियां बन गई, छोटी पत्तियां बन गई, या फिर ये जो है वो निडिल लाइक हो जाती है, निडिल की तरह जो कोनीफर्स में बनते हैं ये हो जाती हैं, तो इनमें रिडक्शन हो जाता है। ये उतनी जैसे पहले अभी बताया था कि ग्रो करती चली गई, उस पर फिर लेटरल ब्रांच बनी या पत्ती बनी, लेकिन जब रिड्यूस होने लगती है इसमें लेंथ आगे नहीं बढ़ पाती कि यहाँ तक ये बढ़ी, उसके बाद यहाँ पर डाइकोटोमी हो गई, इसको बढ़ना चाहिए था यहाँ तक, ऐसा नहीं हुआ, तो ये स्टेम की तरह बिहेव नहीं कर पाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर ही छोटी छोटी पत्तियाँ बन जाएंगी, इनको हम कहेंगे माइक्रोफिल्स। ये केस जो है वो लाइकोप्सिडा में और स्पिनोप्सिडा में आप पढ़ते हैं, साथ साथ जिम्नोस्पर्म में जो कोनीफर्स होते हैं वहाँ पर भी टिलोम में रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ आपको छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं और उनको हम नाम देते हैं माइक्रोफिल्स। उसके बाद प्लेनेशन है। द प्रोसेस ऑफ प्लेनेशन कॉज्ड बाई टिलोम्स एंड मीजोम्स ऑफ द ट्रस टू शिफ्ट फ्रॉम थ्री डायमेंशनल पैटर्न टू अ सिंगल प्लेन। अब ये जो प्लेनेशन है, तो प्लेनेशन का नाम ही ये प्लेन बन गया, प्लेन बन गया का मतलब एक प्लेन में आ गए। तो यहाँ पर होता ये है कि जो तीनों तरफ थ्री डायमेंशनल जो ब्रांचिंग हो रही होती है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है एक सिंगल प्लेन में, तो ये फैन शेप्ड डाइकोटमी आ जाती है, तो फैन नुमा बन जाती है। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो उसको कहा जाएगा कि इसने सब जो पूरा सिस्टम था, जो 3D सिस्टम था वो इसने प्लेन कर दिया, इस प्रोसेस को प्लेनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनफिलिंग विद फोटोसिंथेटिक एंड अदर टिश्यू बिटवीन द प्लेनेटेड ब्रांचेज इज कॉल्ड वेबिंग विच हैव लेट टू द एवोल्यूशन ऑफ फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर विद द डाइकोटमी वेन लेमाइना। अब होता ये है कि जैसे अब आपने देखा यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझें कि ये पहला डायग्राम है, इसमें ये मीजोम है, उसके बाद ये डाइकोटोमी हो रही है, फर्दर डाइकोटो फर्दर ये फिर मीजोम बना जा रहा है, ये मीजोम बनाना जा रहा है, फिर डाइकोटोमी हो रही है, तो सूडो मोनोपोडियल ब्रांचिंग चल रही है। अब इसमें ऊपर की तरफ आप देखते हैं कि स्पोरेंजिया बन रही हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ इधर चल रहे हैं, कुछ इधर चल रहे हैं, तो एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप दूसरा फिगर देखिए, तो दूसरे फिगर में क्या हुआ कि इतने तो एक प्लेन में आने की कोशिश कर रहे हैं और इतने अभी स्पोरेंजियल बना रहे हैं, उसके बाद ये भी रिड्यूस हो गए, इसको भी माइनस आपने कर दिया, तो आप देखते हैं कि अब एक ऐसी रचना आ गई जहाँ पर ये लगभग एक प्लेन में आने लगे डायकोटोमी, और इसमें कोई स्पोरेंजिया या फिर एक्सेसिव जो ग्रोथ है इसकी लेंथ में वो नहीं हो रही है, तो एक प्लेन में आके फिर ये ठहर जाते हैं। और जब ये ठहर जाते हैं तो इनकी जो वेन्स हैं, अब ये जो ब्रांचेस थे ये इसकी मिडवेन बन जाएंगी, और मिडवेन बनने के बाद इनमें जो है बहुत सा सामान भरना शुरू हो जाएगा। वो सामान कौन सा होगा, सेल्स होंगी और क्लोरोप्लास्ट होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, और ये बनाने लगेंगे धीरे धीरे पत्तियाँ, और इस तरह से आपको ये पत्ती नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा जहाँ पर जो ब्रांचिंग थी वो अब वेन्स की डाइकोटोमी दिख रही है, ये ब्रांचिंग ही थी जो वेन्स की डाइकोटोमी दिख रही है, उसके चारों तरफ ये इसका लेमाइना बन गया, तो ये पूरी पत्ती बन जाती है। फिर ए प्रोसेस सिंजेनेसिस। दिस इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर टेंजेंशियल फ्यूजन ऑफ मीजोम एंड टिलोम टेक्स प्लेस। इसमें क्या है कि मीजोम और टिलोम जो अलग अलग थे वो सब एक साथ फ्यूज होने लगते हैं। द लेटरल फ्यूजन ऑफ स्टराइल वेजिटेटिव टिलोम एंड मीजोम रिजल्टेड इन कॉम्प्लेक्स एनास्टोमोसिस, का मतलब फ्यूजिंग वैस्कुलर सिस्टम इन द स्टेम। तो अब ये सब सारे स्ट्रक्चर है, ये मीजोम था, ये टिलोम था, और ये सब एक साथ पत्ती यहाँ से बनना शुरू होने लगी, तो क्या हो गया कि ये सब एक साथ समाहित हो गए, सब फ्यूज़ हो गए, और इस कंडीशन में जो पत्ती बनती है उसमें आप देखते हैं सिलेजिनेला। इसमें इसीलिए पॉलीस्टीलिक कंडीशन होती है कि एक स्टील तो इसकी अपनी हो गई, एक इसकी स्टील हो गई और एक इसकी स्टील हो गई, तो ये सारा फ्यूज़न हो जाता है, इसमें मीजोम भी आ जाता है और दोनों जो डाइकोटोमी है वो भी आ जाती हैं, तो ये पूरा जो फ्यूज़न है इसी को कहते हैं एनास्टोमोसिस, और इस तरह से ये पत्तियाँ बनती हैं जो कि सिलेजिनेला में हमें दिखाई पड़ती हैं। द फ्यूजन ऑफ फर्टाइल ट्रस विद देयर टर्मिनल स्पोरेंजिया रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ सिनेंजिया इन साइलोटम। साइलोटम के केस में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर ये जो फिलोड्स हैं वो तो होती नहीं, वहाँ पे फर्टाइल होते हैं,
तो वो सब मिल के क्या बना लेते हैं, सिनेंजिया बना लेते हैं। सिनेंजिया हमने पढ़ा था साइलोटम में, द क्लोज्ड और रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न ऑफ सम फर्न जिम्नोस्पर्म मैनी फ्लावरिंग प्लांट आर द रिजल्ट ऑफ सिंजेनेसिस ऑफ डायकोटोमिक वेन ऑफ द प्रिमिटिव लीफ। तो जितने भी आप देखते हैं जहाँ पर पत्तियों में बहुत सी स्टीली कंडीशन होती है, पॉलीस्टीलिक कंडीशन होती है, वो सब इस सिंजेनेसिस के ही कारण होती है, जहाँ पर जो मीजोम है, जो डायकोटोमी है और फर्दर डायकोटोमी है, ये सब अब ये यहाँ पर और डायकोटोमाइज हो जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टील और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये एवोल्यूशन ने पॉलीस्टीलिक कंडीशन स्टार्ट कर दी, जो कि साइलोटम में सिंगल स्टील होती है, प्रोटो स्टील होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें पॉलीस्टीलिक कंडीशन मिलती है। फिर है कर्वेशन। कर्वेशन में जो है वो कर्व बनता है, जैसा आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज कॉज्ड ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू ऑन टू अपोजिट फ्लैंक्स ऑफ द टिलोम। इसमें क्या है कि अनइक्वल ग्रोथ होती है जो अपोजिट फ्लैंक होते हैं, और अपोजिट फ्लैंक का मतलब कि यहाँ से एक मिजोम था, ये डायकोटोमी हुई, फर्दर फिर ये डायकोटोमी हुई। अब इनमें जो ग्रोथ है वो बराबर ना हो, एक यूनिफॉर्म ग्रोथ ना हो, कुछ थोड़ा आगे पीछे चले, तो उसमें फिर कर्वेशन आने लगता है। तो इसमें कर्वेशन में दो सब प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है रिकर्वेशन। इन दिस सब प्रोसेस द टिलोम बेंड्स इनवर्ड टुवर्ड्स द एक्सिस। रिकर्वेशन में क्या होता है कि जो टिलोम है वो एक्सिस की तरफ ही बदन मुड़ जाता है, जैसे ये एक्सिस जा रही है ऐसे ही मुड़ गया। द इनवर्ल्ड प्रोजेक्टिंग स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरेंजियोफोर ऑफ इक्विसिटम इज द रिजल्ट ऑफ सब प्रोसेस। ऑफ इक्विसिटम में हमने देखा था कि वहाँ पर स्पोरेंजिया अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं, ये कारण यही होता है कर्वेशन का। और कर्वेशन में भी जो इसकी पहली तरीका है, पहला प्रोसेस है रिकर्वेशन, जिसमें एक्सिस की तरफ वापस घूम जाते हैं। दूसरा है इनकर्वेशन। इस प्रोसेस में द फर्टाइल टिलोम बेंड्स डाउनवर्ड रिजल्टिंग इन द डाउनवर्ल्ड शिफ्टिंग ऑफ द स्पोरेंजिया। इसमें क्या है कि ये डाउनवर्ड घूम जाते हैं, और डाउनवर्ड घूमने की वजह से जो स्पोरेंजिया है वो क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है और वो नीचे की तरफ आके सेटल डाउन होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं जो एडवांस फर्न होते हैं, जिसमें हमने स्पोरोकार्प देखा था टेरॉप्सिडा में, मार्सीलिया में, जहाँ पर स्पोरोकार्प देखा था, और हमने देखा था कि स्पोरेंजिया एकदम अंदर जाके स्पोरोकार्प के बनती है। और स्पोरोकार्प भी हमने क्या पढ़ा था कि स्पोरोकार्प ये मॉडिफिकेशन है, पीटियोलेटेड, एक पीटियोल का मॉडिफिकेशन है, जहाँ पर लीफ बनने के बजाय वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दो लेमाइना होती हैं, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और उसके अंदर सारे के सारे जो स्पोरेंजिया हैं वो घुस जाते हैं। इसको कहते हैं इनकर्वेशन। तो ये थोड़े सा प्रिमिटिव प्रोसेस हो गई और ये एडवांस प्रोसेस हो गई। अब कंसेप्ट ऑफ टिलोम थ्योरी, अलग अलग जो हमने पढ़े हुए हैं इसमें ग्रुप्स, उनमें टेरिडोफाइट के, उसके मुताबिक द टिलोम कंसेप्ट हैज़ बीन यूज इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट। तो साइलोफाइटा, हम साइलोप्सिडा हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, द टिलोम थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू इंटरप्रेट द एवोल्यूशन ऑफ सिंजेनियम इन साइलोटम। सिनेंजियम जो साइलोटम में बनता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए टिलोम थ्योरी बहुत अच्छी है। द ओवर टॉपिंग रिडक्शन एंड सिंजेनेसिस हैव कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ सिनेंजियम इन साइलोटम। तो ओवर टॉपिंग की जो प्रोसेस है और साथ में सिंजेनेसिस है, इन दो प्रोसेस की मदद से हम बता सकते हैं कि साइलोटम में सिनेंजियम बन जाता है, और ये बनने का कारण क्या होता है। तो वो कारण कौन सा है, ओवर टॉपिंग रिडक्शन और सिंजेनेसिस। इनिशियली द ओवर टॉपिंग अकर्ड इन द एरियल ब्रांच ऑफ राइनिया टाइप प्लांट। राइनिया टाइप प्लांट का मतलब जो साइलोटम इनका लिविंग फॉर्म है, ये इसकी एक्सटेंट फॉर्म है। तो एक्सटेंट फॉर्म की मदद से भी इसको एक बार दोबारा से लोगों ने देख लिया और बताया कि राइनिया टाइप प्लांट टू फॉर्म अ सूडो मोनोपोडियल ब्रांचिंग, वही जो मैंने बताई थी सूडो मोनोपोडियल ब्रांचिंग में, जिसमें डायकोटोमी में एक जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक उसका लेटर बन जाता है। तो यहाँ पर जो थ्री डायमेंशनल डायकोटोमी बन जाती है और इसमें फर्टाइल और स्टेराइल टिलोम दोनों ही बनने लगते हैं। तो जो ऊपर जाता है वो इसी तरह से कुछ लेटरल में फर्टाइल बनाएगा, कुछ में स्टेराइल बनाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये मदद इसकी टिलोम की मदद से हम समझ सकते हैं, जहाँ तक बात होती है साइलोप्सिडा की। और जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो लिविंग का साइलोटम होता है और एक्सटेंट में राइनिया होता है। तो यहाँ देख लीजिए टिलोम कॉन्सेप्ट है, इसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ओवर टॉपिंग, तो ये ओवर टॉपिंग हो गई, धीरे धीरे इसका जो रिडक्शन होने लगता है, उसके बाद ओवर टॉपिंग के बाद अगली प्रोसेस है रिडक्शन की। ओवर टॉपिंग ये प्रोसेस हो गई, यहाँ पर रिडक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रांचेस थी उनमें रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया,
और उसके बाद सिंजेनेसिस है, ये आपस में सब कंबाइन कर गए, ये तीन अलग अलग थे आपस में एक साथ आके बन गए और इसने सिनेंजियम बना देते हैं। और उसके बाद ये सिनेंजियम बना लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये इसको कहते हैं सिनेंजियम। ऐसे ही साइलोटम और राइनिया में दोनों में होता है। तो प्रोसेस जो काफ़ी एक्सपेंडेड होती है और रिड्यूस होते होते इस फॉर्म में आ गई इवोल्यूशन के दौरान। देन ड्यू टू द कंटिन्यूस रिडक्शन इन बोथ द टिलोम ट्रस, तो वेजिटेटिव और जो स्पोरेंजियल है दोनों में ही रिडक्शन हुआ जो आपने फिगर में देखा। द स्पोरेंजिया वर प्लेस्ड इन अ कंडेंस क्लस्टर एंड बिकम प्रॉक्सिमल ऑफ द मेन एक्सिस। देन द फर्दर रिडक्शन हैज अकर्ड इन द फर्टाइल टिलोम विच अलाउड स्पोरेंजिया टू कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड अगेन अलाउइंग सिंजेनेसिस टू अकर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनेंजियम, जो अभी आपने देखा गोल गोल बना हुआ जहाँ पर तीन अलग अलग स्पोरेंजिया फ्यूज हो गए थे। द बाइफिड अपेंडेज विच सबस्टेंड द सिनेंजियम इन साइलोटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन इन वेजिटेटिव टिलोम ट्रस एसोसिएटेड विद फर्टाइल टिलोम्स। अब जो इसमें जैसे कि फर्टाइल था तो वहाँ तो ये सिनेंजियम बन गया, लेकिन जहाँ पर फर्टाइल नहीं होता है वहाँ पर वो साथ में उसके चलते हैं और फिर उसको हम सिंटिलोम कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्टाइल और स्टराइल दोनों ही फॉर्म हमें एक साथ मिलती हैं। अब दूसरा है जो उससे थोड़ा जो एडवांस फॉर्म है हमारा टेरॉप्सिडा, इसमें हम देखते हैं मेगाफिल्स बनने लगती हैं, तो उसका भी ओरिजिन टिलोम की मदद से कैसे समझाया जा सकता है उसको बात कर लेते हैं। मेगाफिलस लीफ ऑफ टेरॉप्सिडा ओरिजिनेट्स फॉलोइंग द थ्री स्टेप्स ओवरटॉपिंग प्लेनेशन और वेबिंग। तो वहाँ पर जो रिडक्शन वगैरह है वो स्टेप ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्लेनेशन और वेबिंग आ जाती है। तो जो प्रिमिटिव है उनमें वेबिंग नहीं होती, जो एडवांस है उनमें वेबिंग होती है। बाई ओवर टॉपिंग द ओरिजिनल डायकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम चेंज टू सूडो मोनोपोडियल ब्रांचिंग विद द मेन स्टेम ऑफ द लेटरल ब्रांच। ये बात हो चुकी है कि किसको हम सूडो मोनोपोडियल कहते हैं। नाउ द लेटरल टिलोम ऑफ द मीजोम ऑफ द ट्रस विच वर ओरिजिनली थ्री डायमेंशनल, जो कि शुरू में बताया था 3D होता है, और ये एक सिंगल डायमेंशनल में आ जाता है, वन प्लेन में आ जाता है। द प्लेंटेड टिलोम्स विच हैव कम क्लोजर बिकम अ फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और जो कि सब क्लोज होते हैं इनमें पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद उनमें सब में वेबिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें टीलोम और मीजोम ये सब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं, देख लीजिए जो बता रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बाद में डेवलप हो जाता है और जो टेरॉप्सिडा में इसीलिए हमें मिल जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये बन रहे हैं स्ट्रक्चर, जो कि वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीफ की बनने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई स्पोरेंजिया नहीं है। इनमें सब में ओवरटॉपिंग हुई, ओवरटॉपिंग के बाद आप देखिए कि ये इस तरह इस फॉर्म में आते हैं। और जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D का मतलब हर तरफ ये फैले हुए हैं, वो आपका एक प्लेन में आ गया, चाहे यहाँ पर बात करें चाहे यहाँ पर बात करें, ये भी एक प्लेन में आ गया, ये भी एक प्लेन में आ गया, इसको कहेंगे प्लेनेशन। और प्लेनेशन में आने के बाद इसमें वेबिंग होती है, ये सब आपस में इस तरह से फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनके चारों तरफ फिर नए टिश्यूज़ बने होंगे, उन टिश्यूज़ में मीजोफिल एपिडर्मिस और क्लोरोप्लास्ट ये सारे इसमें समाहित हो गए होंगे और फाइनली इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब ये एक लीफ बन गई, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन पॉलीस्टिलिक होगी, क्योंकि जितनी भी ये लाइनें गई हुई हैं सब आपस में वेन्स बना लेंगी, और ये वेन्स पहले क्या थी, ये यही ब्रांचेस थी। तो ब्रांचेस जो हैं वो अल्टीमेटली वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके चारों तरफ टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, और इस प्रोसेस को हम वेबिंग कहते हैं। स्पिनोप्सिडा में क्या हुआ, यहाँ पर भी देख सकते हैं। द चीफ ट्रेंड इन द ओरिजिन ऑफ स्पोरेंजियोफोर, स्पिनोप्सिडा में स्पोरेंजियोफोर मिलते हैं, हमने पढ़ा भी था इसको, क्या हुआ था यहाँ पर, रिकर्वेशन हुआ था और सिंजेनेसिस होती है जो रिजल्ट करती है किसमें, एक रिफ्लेक्स्ड स्पोरेंजिया में। रिफ्लेक्स का मतलब इसकी पोजीशन आप देखिए नीचे की तरफ पलट गई है। हियर द फर्टाइल टिलोम ट्रस फॉलोड रिकर्वेशन विच हैज़ बीन एविडेंस इन मैनी फॉसिल मेम्बर्स ऑफ स्पिनोप्सिडा लाइक हाइनिया एंड केलेमोफाइटॉन। ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। सब्सिक्वेंटली आप पेल्टेट स्पोरेंजियोफोर विद रिफ्लेक्स स्पोरेंजिया हैव इवॉल्व ड्यू टू सिंजेनेसिस। द नेचर ऑफ द स्पोरेंजियोफोर ऑफ क्लेमाइटिस एंड इक्विसिटम प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोसेस। हाउ एवर द लीफ ऑफ द स्पिनोप्सिडा हैव इवॉल्व फॉलोइंग प्लेनेशन रिडक्शन। तो
तो लीफ का निर्माण तो दो प्रोसेस से हुआ, जिसमें प्लेनेशन था और रिडक्शन था, लेकिन जो इसमें स्पोरेंजियल का डेवलपमेंट होता है उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल हुई उसमें रिकर्वेशन आया और साथ में सिंजेनेसिस आई। तो यहाँ पर ये डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि ऐसी फॉर्म है जहाँ पर आप डायकोटोमी देख रहे हो, दोनों ही अलग अलग थे। उसके बाद इसमें ग्रोथ होने लगती है अनइक्वल, और जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ घूम जाते हैं। नीचे की तरफ घूमने के बाद आप देखेंगे कि ये फ्यूज़न हो जाता है, जिसको कहते हैं सिंजेनेसिस। तो एक साथ ये आ गए दो, और एक साथ दो इधर आ गए, और ये जो पूरा ये सारा था ये सब भी फ्यूज़ होकर ये बड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, और हमें इक्विसिटम में इस तरह की स्पोरेंजियल डेवलपमेंट मिल जाती है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है कि टीलोम ने ही अपने आप को परिवर्तित किया, और वो रिकर्वेशन और सिंजेनेसिस की कंडीशन में जाने के बाद इस तरह से ये रिफ्लेक्स टाइप का स्पोरेंजिया का निर्माण करता है। लाइकोप्सिडा में देखें क्या होता है। द ओरिजिन ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स ऑफ लाइकोप्सिडा कैन ऑल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लाइट ऑफ टिलोम कॉन्सेप्ट। इसमें भी टिलोम की कहानी लगा के आप इसको बता सकते हैं। हियर द लेटरल ब्रांच ऑफ सूडो मोनोपोडियल ब्रांच सिस्टम फॉलोड सक्सेसिव रिडक्शन टू फॉर्म अ लीनियर एंड ब्रांच माइक्रोफिल। तो इसमें काफ़ी सिंपल टाइप का होता है। इसमें देख लीजिए स्टेजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ माइक्रोफिल्स क्या हो रहा है। पहले में डायकोटोमाइजिंग लेटरल ब्रांच, इसमें डायकोटोमाइजिंग हो रही है लेटरल ब्रांचेस की। उसके बाद दूसरे में बाइफर्केशन इसका हो रहा है। ये बाइफर्केशन ये देखिए यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और ये जो है बाइफर्केटेड माइक्रोफिल ऑफ दी प्रोटोलेपिडोडेंड्रियल्स। ये तो ऑर्डर का नाम है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर सी जो डायग्राम है माइक्रोफिल ऑफ लाइकोप्सिडा, ये छोटी पत्ती बन गई लाइकोप्सिड्स की। और फिर एस्टेरोजाइन इनेशन, एस्टेरोजाइलॉन इनेशन में क्या है कि ये प्लांट है एस्टेरोजाइलॉन, जिसमें इस तरह के इनेशन पाए जाते हैं, जहाँ पर जो ये मेड्रिप होती है जो शुरू में टिलोम होगी डाइकोटोमी का एक पार्ट है, ये यहाँ तक नहीं जाती है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है जिसमें हम एस्टेरोजाइलॉन को बताते हैं, जिसमें इनेशन की बात होती है। इनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, अभी उसका जिक्र नहीं हुआ है। दस द पेंटाफिड जिसमें पांच हिस्से हों, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिक्रीक्वा, ट्राइफिड, क्लेडो डी जाइलॉन और बाइफिड प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन, इनकी पत्तियां और स्पोरोफिल्स आर द इंटरमीडिएट फॉर्म। इस वजह से ये बीचों बीच की इंटरमीडिएट फॉर्म बनती हैं, ना तो बहुत रिड्यूस होती हैं और ना तो बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड होती हैं, बहुत डेवलप्ड होती हैं। हाउएवर द स्टेजेस ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन ऑफ लीव्स डू नॉट कंसाइड विद द एजेस ऑफ फॉसिल प्लांट। अब ये रिडक्शन जो है ये इसका कोई सबूत फॉसिल प्लांट से ऐसा कोई मिल नहीं पाया है, ये एजम्पशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल द माइक्रोफिल्स ऑफ द अपर डिवोनियन लाइकोपॉड्स आर रिपोर्टेड लेटर इन स्पाइट ऑफ देयर प्रिमिटिवनेस देन द मच रिड्यूस इनेशन एडवांस ऑफ द लोअर डिवोनियन जोस्टरो फाइलोप्सिडा। हेंस द टिलोम थ्योरी इज मिसफिट फॉर इंटरप्रेटिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल्स इन लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा के केस में क्या है कि आप रिडक्शन देखा था, इसमें इनेशन वगैरह बन रहे हैं। अब ये एजम्पशन ही, जैसा मैं कह रहा हूँ कि एजम्पशन है, इसका कोई भी अगर हम इवोल्यूशनरी सबूत ढूंढें कि कौन कब मिला, तो जो चट्टाने हैं उसके हिसाब से ये उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर अगर लाइकोप्सिडा में माइक्रोफिल्स का इवोल्यूशन की बात करें कि वहाँ पर जो टिलोम थ्योरी है पूरी तरह से लागू हो जाती है, तो जवाब होगा नहीं लागू हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का जो रिडक्शन है वो जो प्रोसेस हुई है वो प्रोसेस फॉसिल प्लांट की मदद से बताने में अभी तक जो वैज्ञानिक हैं वो नाकाम रहे हैं। अब आई इनेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई बावर 1935। द इनेशन थ्योरी सीम्स टू बी मोर कन्विंसिंग देन द टिलोम थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ द माइक्रोफिलस लीव्स, जिसकी बात अभी कर रहे थे कि जहाँ पर हम नहीं बता सकते टिलोम थ्योरी की मदद से, तो उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे, उसके लिए बावर साहब ने एक थ्योरी दी, उसको नाम दिया इनेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इनेशन थ्योरी द माइक्रोफिल्स वर इनिशिएटेड एज नॉन वेस्कुलराइज्ड स्पाइन लाइक आउटग्रोथ, और उसी को इन्होंने कहा इनेशन। तो उन्होंने बावर ने ये बताया है कि जो माइक्रोफिल्स हैं जिनको टिलोम की मदद से हम पूरी तरह सही बता नहीं पाते हैं कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो वो एक्चुअली क्या थे, नॉन वेस्कुलराइज स्पाइन लाइक एक कार्टून नुमा स्ट्रक्चर की आउटग्रोथ के तौर पर शूट के ऊपर डेवलप हुए थे, और उसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया वो जुस्टरो फाइलोप्सिडा का दिया। फिर वो कहते हैं कि दीज स्पाइन लाइक इनेशन वर नॉट अरेंज इन अ डेफिनेबल या डेफिनेट पैटर्न। तो उन्होंने ये कहा कि इनका अरेंजमेंट भी कोई डेफिनेट नहीं था। इनिशियली टूथ लाइक इनेशन,
वर अरेंज इन वर्टिकल रोज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एक्सिस। और इन्होंने कहा कि शुरुआत में तूतलाई के नेशंस थे जो कि वर्टिकल रोज में अपोजिट साइड्स पर आके जम गए थे। और एग्जाम्पल इन्होंने दिया जो फॉसिल फॉर्म के आधार पर क्रिनेटिकॉलिस और सेरुलिकॉलिस। तो ये थोड़ा सा इन्होंने इसमें फ़र्क बता दिया कि भाई ये लीफ की तरह बने ही नहीं थे तो उसको हम क्यों लीफ में कंफ्यूज कर रहे हैं, ये तो स्पाइंस थे जिनमें कोई वैस्कुलर सप्लाई भी नहीं थी और किसी तरह से स्टेम के ऊपर ये दोनों लेटरल साइड पर वर्टिकल रोज में अरेंज हो गए थे। एग्जाम्पल भी बता दिए इन्होंने। हाउएवर इन साउडोनिया ये प्लांट है, रेगुलरली डिस्पोज टेपर्ड एंड पॉइंटेड स्पाइन लाइक इनेशन आर रिपोर्टेड ऑन द एक्सिस। अब इसमें क्या था कि थोड़ा सा जो साउडोनिया प्लांट मिला तो जो बाबर साहब की थ्योरी थी वो भी थोड़ा सा गड़बड़ सी प्रतीत हुई। तो फिर कुछ और देखा गया कि क्या इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इन जोस्टेरोफिल्स इनेशंस आर डिवाइड ऑफ एनी वैस्कुलेचर, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था बाबर ने उसमें कोई वैस्कुलेचर नहीं था। हावेवर इन द नेक्स्ट स्टेप जैसा कि एस्टेरोलॉन में था इसमें वैस्कुलर ट्रेस मिल रहा था, एक डायग्राम आपको पीछे दिखाया था उसमें भी इसी तरह का हल्का सा वैस्कुलर ट्रेस जो यहाँ तक नहीं गया था वो मिल रहा था। तो ये एस्टेरोलॉन का एग्जाम्पल था। और ये क्या था, ये डायरेक्टली अराइज हो रहा था, प्रोटो स्टील से ही बन रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो वैस्कुलर के निशान मिल रहे हैं, अब ये बात और है कि वो बिल्कुल टिप तक नहीं गया है लेकिन उसने सप्लाई तो दी है। तो जो बावर साहब की थ्योरी थी माइक्रोफिल्स की वो भी थोड़ा सा जो इनेशन वाली थ्योरी थी वो गड़बड़ाने लगी। तो जो आप यहाँ डायग्राम आप देख लीजिए इसमें ये वो ऊपर वाला जो ए और बी है ये बावर साहब बता रहे हैं कि कॉल्टेक्स जा रहा है और ये प्रोटोस्टील जा रही है, और इसने कोई भी अपना जो सेगमेंट है वो इधर नहीं भेजा और ये स्पाइनी है, इसके अंदर कोई वैस्कुलर सप्लाई नहीं थी, इसको इनेशन कह दिया। तो टिलोम नहीं कह रहे हैं क्योंकि टिलोम अगर कहते तो लीफ बनती यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि ये इनेशन है टिलोम नहीं है। तो उन्होंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। बाद में फिर एस्टेरोज़ाइलॉन प्लांट मिला तो उसमें देखा गया कि इस तरह के स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर तो मिल रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटोस्टील से सप्लाई है वैस्कुलर वो इसमें जाती हुई इसी दिख रही है, हालांकि वो पूरे ऊपर तक नहीं गई। और फिर ये कहा गया कि शुरू में ऐसे ही इवोल्यूशन के दौरान हुआ होगा और बाद में धीरे 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 जो है वो पूरी जो सप्लाई है वो वहाँ के उसके टिप तक पहुँच गई, तब ये बात जिन प्लांट्स में मिली तो इसको कहा गया कि ये टिलोम का ही रूपांतरण है माइक्रोफिल। तो इस तरह से दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों ने बताई और जो अपने जस्टिफिकेशन थे वो दिए विद एग्जांपल्स जहाँ पर फॉसिल प्लांट्स को कंसिडर किया गया। इन द फाइनल स्टेप द इनेशन बिकम इलोंगेटेड फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक, और बाद में इनेशन जो है वो लीफ लाइक हो गए, वैस्कुलर ट्रेस जो है वो इसके टिप तक पहुँच गया। तो इस तरह से इन दिस वे माइक्रोफिलस लीफ अ सिंगल अनब्रांच लीफ ट्रेस अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोटोस्टील। और इसका इवोल्यूशन जो बताया उन्होंने वो बताया कि लोअर डिवोनियन पीरियड में इस तरह के प्लांट मिले जो जिसमें जो इनेशन लाइक स्ट्रक्चर थे उसके अंदर उसके टिप तक वैस्कुलर सप्लाई पहुंची थी। द फर्दर इलोबरेशन ऑफ द माइक्रोफिल इन अर्ली हर्बेशियस लाइकोपोड्स जैसे कि लेसर कुया है और प्रोटो लेपिडोडेंड्रॉन है, एस्टिनोफाइटॉन है, इनमें टिलोम थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करने में इस बात पर कामयाबी मिल गई क्योंकि जब यहाँ पर सप्लाई चली गई अंदर तक पूरी प्रोटोस्टील से निकल के तो फिर ये टिलोम बन सकता है। और इसके जो एग्जाम्पल थे जहाँ पर ये सप्लाई जा रही थी उनके एग्जाम्पल्स ये तीन बाद में साइंटिस्ट को मिल गए। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। द टिलोम थ्योरी पोर्ट्रेज द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्पोरोफाइट इन द अर्लीस्ट नोन लैंड प्लांट्स, किस तरह से स्पोरोफाइट्स बने इसको बताने के लिए टिलोम थ्योरी बहुत अच्छी है। द थ्योरी इज बेस्ड मोस्टली ऑन द अकाउंट ऑफ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ द फॉसिल एज वेल एज लिविंग जनरा, और दोनों ही चीज़ें इसमें देखी गई हैं, जो लिविंग हैं और जो फॉसिल्स हैं जिसमें वैस्कुलेचर स्ट्रक्चर पाया गया, वैस्कुलरेशन पाया गया उनमें, उनको दोनों को मिलाने के बाद और साथ में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो भी स्थापित करने के बाद ये थ्योरी दी गई। तो ये भी एक बड़ी बात है कि सब कुछ स्टडी किया गया। द फाइव एलिमेंट्री प्रोसेस लाइक ओवर टॉपिंग, रिडक्शन, प्लेनेशन, रिकर्वेशन और सिंजेनेसिस, ये जो है एक सब दो सब मिला के एक बड़ा अच्छा यूनिफाइड कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें जिसके द्वारा हम इवोल्यूशन जो हायर प्लांट्स में या लैंड प्लांट्स में हुआ उसको हम समझ सकते हैं। और ये बड़े मतलब आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से डाइकोटोमी
जो ब्रायोफाइट्स में मिलती थी टेरिडोफाइट से पहले, डाइकोटोमी ब्रायोफाइट्स में बहुत कॉमन थी। वही डाइकोटोमी किस तरह से टिलोम में परिवर्तित हुई और उसने फिर लीफ बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये जो जो पांच प्रोसेस हैं, ये इस बात को बताने के लिए सक्षम है पूरी तरह से, और इसका भी यह सिग्निफिकेंस इसीलिए टिलोम थ्योरी का बढ़ जाता है। मोर ओवर दीज प्रोसेसेस प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन सॉल्विंग द मॉर्फोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन द वैस्कुलर प्लांट्स। अब ये अक्सर होता है कि बहुत से जो वैस्कुलर प्लांट है उसमें स्ट्रक्चर पे लेके लड़ाई होती है, तो जब भी इस तरह की लड़ाई होती है तो उनसे कहा जाता है कि भाई टिलोम जाके पढ़ लो दोबारा से, तो वहाँ पर हो सकता है कि इसका तुम्हें आंसर मिल जाए और हम ये बता सकें कि इसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर एक्चुअली है क्या। तो जैसे कि द नेचर ऑफ द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ द ओफियोग्लॉसेस, इसमें भी लड़ाई रहती है कि ओफियोग्लॉसम में जो एरियल पोर्शन है प्लांट का वो क्या है, तो उसमें भी टिलोम थ्योरी की मदद से बता दिया गया वो क्या है। एनाटॉमी ऑफ सम स्पीशीज ऑफ मेडुलोसी, मेडुलोसी की एनाटॉमी में भी इसी तरह के कुछ लड़ाई झगड़े चलते हैं, डिबेट चलती है, उसमें भी टिलोम थ्योरी की मदद ली गई। नेचर ऑफ द प्लांट बॉडी इन सिनोप्टेरिड फॉर्म में जो प्लांट बॉडी है उस पर भी लड़ाई चल रही थी, उसमें भी टिलोम की मदद से उसको सुलझाया गया। एवोल्यूशन ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कॉलडाइटेल्स एंड अर्ली कॉनिफर्स, इसमें भी जो झगड़ा था वो भी टिलोम की मदद से सुलझा दिया गया। फाइलोजेनी एंड ओरिजिन ऑफ स्टेमेन एंड कार्पल्स, एंजियोस्पर्म में स्टेमेंस और कार्पल्स और खासकर जो जिम्नोस्पर्म में एडवांस वाले जैसे एफिड्रा है, निटम है, जिंगो है, इनमें भी जो ये लड़ाई थी कि किस तरह से स्टेमेन और किस तरह से कार्पल बने, उसको भी टिलोम थ्योरी की मदद से सुलझाने में काफ़ी मतलब कामयाबी मिल गई। द थ्योरी एक्सप्लेन्स इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर दैट द एंटायर स्पोरोफाइट इज एन एक्सिस दैट हैज़ अंडरग्राउंड पोर्शन कॉल्ड द रूट एंड अ एरियल पार्ट कॉल्ड द शूट। तो ये जो टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है उसी के बारे में ये अच्छी तरह से मतलब एक संतोषजनक तरीके से जवाब देती है कि किस तरह से क्या चीज़ें बनी, कैसे लीफ बनी, कैसे शूट बनी, कैसे रूट बनी, कैसे एरियल पार्ट बना, कैसे अंडरग्राउंड पार्ट बना। तो ये हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बार 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 की डाइकोटोमी होती है। तो डाइकोटोमी ही मेन जड़ है जिसके आधार पर जो टिलोम है उसने सारे जो जितने भी पजल्स थे वो सुलझा दिए। द अपेंडेज ऑफ द शूट दैट द स्पोरोफिल स्पोरेंजिया एंड स्टराइल लीव्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ द शूट्स। और ये बताने में कामयाबी पाई कि सब कुछ जो भी कुछ बनता है प्लांट के ऊपर, चाहे वो पत्तियाँ हों, स्पोरोफिल्स हो, स्पोरेंजिया हों, ये सब जो है मॉडिफिकेशन होते हैं शूट के। और आज के ज़माने में हम जानते हैं कि चाहे वो फ्लावर हो या पत्ती हो या कुछ हो, जो भी स्टेम के ऊपर बन रहा है वो मॉडिफाइड स्टेम ही होता है, उसमें ही कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन होता है और उसके बाद वो स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसा टेरिडोफाइट्स में जितने भी इस तरह के झंझट थे वो टिलोम थ्योरी ने ख़त्म कर दिए। तो जिमर महन साहब को सलाम कि उन्होंने इसको इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया। तो अब घुमा फिरा के बात आती है कि भाई हमने क्या पढ़ा। तो क्या है द थ्योरी दैट द लीव्स मेगाफिल्स इन फर्न्स एंड सीड प्लांट्स इवॉल्व बाई द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस टिलोम ऑफ द स्टेम, यही टिलोम थ्योरी है। इट इन मिसेजेस दैट फर्स्टली इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव इक्वल डाइकोटोमस ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम दे आर डेवलप अ मेन एक्सिस विद लेटरल साइड ब्रांचेस। तो डाइकोटोमी तो चली, बस फर्क क्या हुआ कि एक बहुत तेज़ी से बढ़ गई आगे और एक रुक गई। तो जो सूडो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है उसने जो है आगे का डेवलपमेंट टेकअप कर लिया, और जो डाइकोटोमी जो इक्वल प्लेन में होती थी वो फिर कहीं पीछे रह गई। तो प्रिमिटिव में तो हमें इक्वल प्लेन में मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस फॉर्म में आने लगते हैं तो हम देखते हैं कि जो इक्वल डाइकोटोमी हो रही थी वो इक्वल डाइकोटोमी बंद हो गई, और फिर वहाँ पर अलग अलग तरीके से कहीं पर रैपिड ग्रोथ, कहीं पर स्लो ग्रोथ होने लगी, जिसने बाकी के डेवलपमेंट की है। तो एक बार ये रिव्यू कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ लीव्स के बारे में सवाल आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि आप लीव्स का ओरिजिन टिलोम थ्योरी की मदद से समझाइए, या आपसे ये भी कोई पूछ दे कि लीव का ओरिजिन के संबंध में आपकी क्या जानकारी है और किस बेस पे आप उसको समझाएंगे, तो उसमें फिर आप टिलोम थ्योरी की ही मदद लेंगे जो अभी आपने पढ़ी है। टू बेसिक टाइप ऑफ लीव्स अकर इन वैस्कुलर प्लांट, एक तो माइक्रोफिल होते हैं और एक मेगाफिल होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। दीज टर्म्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश लीव टाइप दैट डिफर इन देयर इवोल्यूशनरी ओरिजिन एंड ऑफन स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स। सम साइंटिस्ट हैव क्रिटिसाइज दिस टर्म एज कन्फ्यूजिंग बिकॉज स्मॉल सिंपल मेगाफिल्स लुक सिमिलर टू द माइक्रोफिल्स, क्योंकि जब साइज के हिसाब से तो उसको हम देखते हैं तो मेगाफिल माइक्रोफिल कभी कभी सारे स्ट्रक्चर में एक होती है सिवाय साइज के। तो कुछ जो साइंटिस्ट है उनको इस पर थोड़ा सा एतराज़ था। फर्दर मोर इन टर्म्स
आर समटाइम यूज इन प्योरली डिस्क्रिप्टिव वे विद नो एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन, और कभी कभी माइक्रो और मेगा सिर्फ साइज पे कह देते हैं और वहाँ पे फाइलोजेनी को छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा परेशानी का सबब बन जाती हैं जब हम बताने चलते हैं कि लीफ किस तरह से बनी। दस इट हैज़ बीन प्रपोज दैट द टू मेजर लीफ टाइप इन वेस्कुलर प्लांट्स इंस्टेड बी कॉल्ड लाइकोफिल्स एंड यूफिल्स। तो उन्होंने ये कहा कि अब इसको लाइकोफिल्स कहना चाहिए जो कि माइक्रोफिल्स हैं, क्योंकि लाइकोफिल्स में सिर्फ छोटी छोटी पत्तियाँ ही बनती हैं, तो उनको लाइकोफिल्स कह दें, और दूसरे को कह दें यूफिल्स कह दें जो कि मेगाफिल्स हैं। तो टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा चेंज बाद में किया गया और माइक्रोफिल्स को नया टर्म दिया गया लाइकोफिल्स और मेगाफिल्स को नया टर्म दिया गया यूफिल्स। तो अब देख लेते हैं माइक्रोफिल्स क्या होते हैं। माइक्रोफिल्स आर द लीव्स ऑफ द लाइकोफाइट, लाइकोफाइट जितने भी उनकी पत्तियों को माइक्रोफिल्स कहते हैं। दीज लीफ लैक स्टॉक, इसमें कोई पिटियोल नहीं होता, सिंपल फॉर्म के होते हैं, किस तरह का स्केल लाइक होंगे या फिर स्ट्रैप शेप्ड होंगे। टिपिकली इसमें सिंगल वेन होती है और इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। बिकॉज लाइकोफाइट हैव स्टेम विद प्रोटोस्टील, इसमें स्टील प्रोटोस्टील होती है, तो कोई इसमें लीव गैप भी नहीं पाया जाता। तो ये सब पहचान हो गई माइक्रोफिल्स की। मेगाफिल्स की बात करें तो मेगाफिल्स जो है वो यूफिल्स भी इनको टर्म दिया गया, तो यूफिलोफाइट्स भी कह सकते हैं। जिन प्लांट्स को यूफिलोफाइट्स कहते हैं उनमें मेगाफिल्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं इनको देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स वेनेशन होता है, जैसे कि एक्विसिटम और बहुत से पाइनस में और या पाइन्स में। मेगाफिल्स जो हैं स्मॉल होती हैं और इसमें वेनेशन सिंपल होता है और जो माइक्रोफिल्स की तरह लगती हैं, लेकिन ये माइक्रोफिल्स नहीं होती हैं क्योंकि इसमें जो सिंगल वेन नहीं होती बल्कि बहुत सी वेन से मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो वैस्कुलर जो सिस्टम है वो बहुत एडवांस होता है, साइज भले ही माइक्रोफिल्स की तरह हो लेकिन वैस्कुलर सिस्टम एडवांस होता है। और इनमें लीव गैप भी मिलते हैं क्योंकि उसमें से ब्रांचिंग निकल के जाती है इधर उधर, तो लीव गैप का मिलना लाजमी हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं साइफनोस्टील, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीव गैप वगैरह मिलते हैं, और साथ साथ जो यू स्टील है इनकी अगर हम सेक्शन करके देखें तो वहाँ पर हमें लीव गैप, लीव ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये एडवांस फॉर्म हो गया मेगाफिल्स। तो साइज किनारे चला गया जो पुराने वक्त से चला आ रहा था, और नया टर्म आ गया जिसको हम मेगाफिल्स और माइक्रोफिल्स को हम यू फिल्स या फिर हम इसको लाइकोफिल्स कहते हैं। लाइको का मतलब प्रिमिटिव और यू का मतलब एडवांस। माइक्रोफिल्स हैव इवॉल्व वंस इन वैस्कुलर प्लांट्स एंड आर स्नैपोमॉर्फी फॉर द लाइकोफाइट्स। तो ये माइक्रोफिल्स जो हैं वो एक तरह से जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल जो लाइकोफाइट्स हैं उन्हीं के आसपास रहती है। उसके बाद फिर ये जो टर्म है इसका इस्तेमाल आगे के प्लांट्स में नहीं होता है। मेगाफिल्स हैव इवॉल्व मोर देन वंस इन यूफिलोफाइट्स, सो दे आर नॉट अ ट्रू स्नैपोमॉर्फी फॉर दी होल ग्रुप। अब इसमें क्या, इसमें एवोल्यूशन यहाँ तो रुक ही गया, तो ये एक ही बार में अगर हमने उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली माइक्रोफिल्स की, तो इसका मतलब ने लाइकोफाइट्स की पत्तियों की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, तो ये एक बिल्कुल स्नैपोमॉर्फी होती है। लेकिन यहाँ पर जो यूफिलोफाइट्स होते हैं, जहाँ पर मेगाफिल्स की बात आती है, वहाँ पर ये एकदम एग्जैक्टली वही नहीं होती, क्योंकि इसमें आगे जो है परिवर्तन होते रहे और अलग अलग जो इसमें एवोल्यूशन हुए हैं उसमें इनकी जो एनाटॉमी है लीफ की हम करते हैं तो वो अलग अलग मिलती है, जबकि माइक्रोफिल के केस में ऐसा नहीं होता। तो इसमें ट्रू स्नैपोमॉर्फी होती है लेकिन इसमें ट्रू स्नैपोमॉर्फी नहीं होती है। हाउएवर ओवर टॉपिंग वन ऑफ दी अर्ली स्टेप इन हाइपोथेसाइज्ड एवोल्यूशन ऑफ द मेगाफिल इज कंसिडर्ड एज स्नैपोमॉर्फी ऑफ यूफिलोफाइट्स। जबकि सिर्फ एक बात रह जाती है कि चाहे कितना भी परिवर्तन हो मेगाफिल्स में, तो जो भी परिवर्तन है वो किसके बाद होता है, वो होता है आपका बिल्कुल जो ओवर टॉपिंग वाला स्टेप है। ओवर टॉपिंग होना सब में तय है, ओवर टॉपिंग के बाद की जो प्रोसेस है, जो और स्टेप चार हुए हैं वहाँ पर बदलाव होता है, ओवर टॉपिंग तक ये सेम रहता है। तो ये भी एक पहचान होती है। तो अगर हम कहें कि स्नैपोमॉर्फी मेगाफिल्स में मिल सकती है, तो आंसर होगा मिल सकती है, लेकिन कब तक, ओवर टॉपिंग की स्टेज तक, उसके बाद फिर ये अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसमें आप ओरिजिन ऑफ लीव्स को देख रहे हैं। इसमें एक ट्री बना हुआ है जो कि वैस्कुलर प्लांट का है, इसमें रिलेशनशिप दिख रही है अलग अलग जो ओरिजिन हुए हैं लीव्स के, उसमें माइक्रोफिल है, उसमें जो माइक्रोफिल एकदम ट्रू स्नैपोमॉर्फी दिखाती है वो है लाइकोफाइट्स के लिए,
और साथ साथ ये भी है कि मेगाफिल्स में किस तरह से अलग अलग दिखता है। तो यहाँ पर हम देख लें कि ये एक लाइन चली और इसको भी डायकोटोमी हम करते हैं, तो ये माइक्रोफिल एक चली गई और उसके बाद ओवर टॉपिंग की स्टेज तक, यहाँ तक तो सिमिलर है, उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ बदला हुआ सा प्रतीत होता है। तो माइक्रोफिल्स में जब हम जाते हैं तो ऊपर जितने भी इसमें बाइफर्केशन फर्दर होते हैं उसमें गाइसोइटीज है, सिलेजिनेला है और लाइकोपोडिया पोडियेसी है। इनमें सब में ये लाइकोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं और इसमें इसी तरह की पत्तियाँ मिलती हैं और ट्रू स्नैपोमॉर्फी दिखाती हैं। जबकि हम यहाँ चलेंगे तो इसमें फर्दर इस लाइन पर भी, जो ये ओरिजिन की लाइन है, इस पर भी अलग अलग इवोल्यूशनरी लाइन डेवलप होती हैं। वन एक ये हो गई, दो हो गई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल चार अलग अलग चली हैं, चार में भी आगे चलकर एक ब्रांच बन गई और फिर दो अलग अलग हो गई। तो इसमें ओवर टॉपिंग तक तो सेम है लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्नता है और वो विभिन्नता हमें यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो बन गए इसके साथ में, इसके क्लोज में लाइकोफिल्स के क्लोज में, तो ये तो फर्न और हॉर्सटेल बने, लेकिन जब इससे थोड़ा और दूर हुए हम इवोल्यूशन में तो जिम्नोस्पर्म बने, और दूर हुए तो इसमें एंजियोस्पर्म बने, और एंजियोस्पर्म में फिर आप देखेंगे सब अलग अलग बनना स्टार्ट हो रहे हैं और एक साथ सिर्फ एक जगह है जहाँ पर दो हमें एक डायकोटोमी दिख रही है, अदरवाइज सब सिंगल सिंगल बनना स्टार्ट हो गए। तो एक तरह से ये क्लेडोग्राम है जिसकी मदद से हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ माइक्रोफिल्स की बात हो गई थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लाया हूँ कि बात अगर करी जाए और ये एग्जांपल या सवाल आ जाए कि ओरिजिन ऑफ माइक्रोफिल्स, तो उसमें आपको इनेशन थ्योरी के बारे में बात करनी पड़ेगी जो कि दी थी बावर साहब ने, और बावर साहब की बात करते हुए आप ये बताएंगे कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बने और इनकी आउटग्रोथ फ्लैप लाइक आउटग्रोथ बनी और इसमें कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं था। और ये भी इसमें आगे जोड़ सकते हैं कि द स्टेप इन दिस थ्योरी आर एज फॉलोज, इसमें इनेशन में जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से, ओरिजिन ऑफ इनेशन, ये इनेशन बन गए फ्लैप लाइक आउटग्रोथ स्टेम के, और उसके बाद इसमें लीफ ट्रेसेस डेवलप बट डू नॉट एंटर द इनेशन, इनेशन के अंदर नहीं घुसे थे, बस यहाँ तक रह गए थे, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर था वो उसमें कोई भी इसमें वैस्कुलर सप्लाई नहीं गई थी। लीफ वैस्कुलरेशन, द इनेशन बिकम वैस्कुलराइज एंड कैन बी कॉल्ड लीव्स। और जब ये बाद में इवोल्यूशन के दौरान इसमें वैस्कुलर बंडल अंदर तक आ गए तब इसको हमने लीव कहना शुरू किया, जब तक इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं आए थे तब तक हम इसको इनेशन कह रहे थे। तो जब लीव बन जाएगी तो इसको हम टिलोम बोलेंगे और जब तक लीव नहीं बनेगी उसको हम इनेशन कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक तो ये इनेशन बने लेकिन जैसे ही आगे इसमें सप्लाई यहाँ तक पहुँच गई तो इसको हमने टिलोम कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक ये इनेशन है। इसी तरह से ओरिजिन ऑफ मेगाफिल्स की बात करें जिनको यूफिल्स भी कहते हैं, तो इसमें भी जो प्रोसेस है उसमें ओवर टॉपिंग तो रहेगी, फिर प्लेनेशन हो रहा है और फिर वेबिंग हो रही है, तो वेबिंग में जो है वो सारे फ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत से वहाँ पर हमें लीफ गैप और मिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कई एक जो डायकोटोमी होती हैं वो एक साथ एक लीफ के अंदर समाहित हो जाती हैं, तो वहाँ पर हमें वेबिंग दिखती है और इसी वजह से हमें जब उसकी एमटीएस करते हैं लीफ की तो वहाँ पर हमें लीफ गैप भी नज़र आते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए ये फ्यूज़न शुरू हो गया, यहाँ पर पहले ये फ्यूज़ हुआ, उसके बाद फिर आप देखेंगे फ्यूज़न का जो लेवल है वो और बढ़ गया और अल्टीमेटली जो यहाँ पर दो अलग अलग दिख रहे थे वो एक साथ ही आ गए, और जब एक साथ आके यहाँ पे ये इकट्ठा हो गए जो कभी अलग अलग थे तो इसके बाद चारों तरफ इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेमाइना बन गया और ये पूरी कंप्लीट एक मैच्योर लीफ बन गई जिसको हम कहते हैं यूफिल्स या फिर मेगाफिल्स। अब अगर कंपेरेटिव अकाउंट इसका लिखने को आ जाए तो हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्टरनेट नेम क्या है माइक्रोफिल्स का, लाइकोफिल्स है, मेगाफिल्स का क्या है, यूफिल्स है, प्लांट ग्रुप कौन से हैं, लाइकोफाइट्स हैं, इसमें यू फिलोफाइट्स हैं, इवोल्यूशन है, इसमें इनेशन से हुआ है, इसमें ब्रांचिंग सिस्टम से हुआ है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन वन होते हैं, इसमें मोर देन वन होंगे, लीफ स्टॉक इसमें एबसेंट होता है और लीफ स्केल लाइक होती है, इसमें एबसेंट और प्रेजेंट दोनों हो सकते हैं, लीफ इनेशन इसमें यूजुअली वन अनब्रांच वेन होती है, यहाँ पर बहुत सी होती हैं, वेबिंग हो जाती है, एसोसिएटेड स्टील टाइप इसमें प्रोटो स्टील होती है, यहाँ पर साइफनो स्टील यू स्टील दोनों ही हो सकती हैं, एसोसिएटेड लीव गैप्स इसमें नहीं होते और इसमें होते हैं। तो ये चीज़ें तभी हम बता पा रहे हैं क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ लिया। तो इसी के साथ में ये जो टिलोम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।